हाउ आर यू माई डियर स्टूडेंट। हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 एनसीईआरटी सिलेबस यूपी बोर्ड मैथ क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम आपको इससे पहले वीडियो में भेज चुके हैं, सेंड कर चुके हैं। जिसको हमारी वीडियो देखनी हो तो NRW चैनल पर जाकर आप मतलब वो क्लास 9 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज आप जानते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और दो एंगल भी बराबर होते हैं। ये भुजा इस भुजा के इक्वल है, जिसमें बराबर भुजाओं AC व और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। AC पर तो BE शीर्ष लंब और AB पर CF खींचे गए हैं, दर्शाइए कि ये सिलसिलम बराबर है। CBE और CF हमको बराबर दिखाने हैं सिलसिलम। आए चल लेते हैं, हल दिया है। इसमें हम क्या राइट करेंगे, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी दे रखा है दोस्तों। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या है कोमा AB इक्वल है AC, एक तो इस बराबर दे रखी है और एक क्या दिया है दोस्तों इसमें BE लंब है AC कोमा और CF लंब है AB, ये बराबर करने और दर्शाना है हमको, दर्शाना है शीर्ष लंब बराबर है, यानी कि BE बराबर है CF के, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलो चल लेते हैं सीधे। तो हम दो त्रिभुज ले सकते हैं, एक ले सकते हैं ABE, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF, त्रिभुज ACF में यदि हम इन दो त्रिभुजों को सुरांगसम कर दें तो BE बराबर हो जाएगा CF के, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग संगत भुजा सब बराबर होते हैं। चलो चल लेते हैं, AB बराबर AC कहाँ है दिया है, सामने लिखेंगे दिया है, क्योंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ABC इसलिए दो भुजाएं बराबर होती है। नंबर 2, एंगल BEC इक्वल हो जाएगा CFB, एंगल CFB सामने क्या राइट करेंगे हम, ये तो आप राइट कर सकते हैं, चूंकि BE व CE CF क्रम से AB और AC पर लंब है, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं दिया है, या दोनों ओर 90 डिग्री, ये भी क्या है दिया है। दो चीज हमको मिल चुकी है, तीसरी ईट देखो, तीसरी क्या मिल सकती है, BAC BEF ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं ABE और एक ले रहे हैं ACF, यानी कि दोनों में एक कोण उभयनिष्ठ कोण है, एंगल A इक्वल है एंगल A के, सामने ऐड करेंगे उभयनिष्ठ कोण, वो उभयनिष्ठ कौन है। अब हम क्या राइट कर सकते हैं AAS सर्वांग समता नियम से, हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ABE सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ACF के। तो हम क्या कह सकते हैं, जब ये ACF पूछा क्या गया था, BE बराबर CF, तो ध्यान से देखें BE बराबर CF, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं BE बराबर हो जाएगा CF के, सामने कह सकते हैं सुरांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि CP CT से कह सकते हैं, ये हमको प्रूफ करना था। दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
हम इसकी आकृति बना लेते हैं। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी एफ ई, एफ एफ ई, एफ ई कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब बी और सी एफ बराबर है। इसमें ए बी व ए सी पर खींचे गए लंब बी और सी एफ बराबर है। अब की बार ये जो लंब है, लंब ये बराबर दे दिया है और इसमें बराबर नहीं देते पूछा गया था, उल्टा दे दिया, अब की बार अपोजिट कर दिया। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सुरंग समय त्रिभुज ए सी एफ के, ए बी ई सुरंग समय त्रिभुज ए सी एफ के, ये हमको सुरंग सम करना है, यानी कि सेम यही बात। जब प्रूफ हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो चलो चल लेते हैं, सेम क्वेश्चन यही है, हल कोई चेंजिंग नहीं, थोड़ा उल्टा करना है, दिया है। अब की बार क्या दिया है, बी ई लंब ए सी कोमा और सी एफ लंब ए बी कोमा और बी ई इक्वल है सी एफ के। ये चीज हमको दे रखी है, ये पार्ट हमको दे रखा है तो दर्शाना है, दर्शाना है, क्या दर्शाना है, त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी ई सुरंग सम है त्रिभुज ए सी एफ के, त्रिभुज ए बी सुरंग सम है त्रिभुज ए सी एफ के, ये हमको प्रूफ करना है। और सेकंड पार्ट हमको क्या प्रूफ करना है, सेकंड पार्ट ए बी इक्वल है ए सी, अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु, त्रिभुज है, ये प्रूफ हमको करना है। तो चलो चलो चल लेते हैं सिद्ध, क्या कर रहे हैं हम सिद्ध, ए बी सुरंग सम ए सी एफ। तो चलो चले जाए, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ में सेम वही बात, ए बी ई तथा ए सी एफ में, ए बी ई तथा ए सी एफ में। तो ध्यान से देखा, यहां पर 90 है और यहां पर 90 है, क्वेश्चन में देखो दे रखा है। तो हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट सिचुएशन बी ई इक्वल है सी एफ के, सामने लिख सकते हैं दिया है, शीर्ष लंब बराबर दे रखे हैं, पहला हीट हमको मिल चुका है। नेक्स्ट सिचुएशन, कोण एफ, एंगल एफ डार कह सकते हैं, एंगल ई के, एंगल एंगल एफ एंगल है एंगल ई के, सामने लिख सकते हैं ये भी दिया है, या कह सकते हैं दोनों ओर 90 डिग्री। नंबर थ्री, अब चीज हमको क्या दिख रही है, नंबर थ्री यदि आप देखें ए बी ई ए सी एफ, क्या दिख रहा है बताइए बताइए, वही एंगल ए, एंगल ए इक्वल है एंगल ए के, सामने लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। तो फिर वही बात आ गई, ए ए एस सुरंग समता नियम से, नियम से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी ई सुरंग सम हो जाएगा त्रिभुज ए सी एफ के। और जब दो त्रिभुज सुरंग सम हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं संगत कोण बराबर होते हैं, तो
हम कह सकते हैं ए बी इक्वल है ए सी के सी पी सी टी से, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग सी पी सी टी से, और एंगल बी, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, एंगल सी के। अब जिसका दो भुजाएं बराबर होते ही ए बी बराबर है ए सी, ए भी क्या लिख सकते हैं हम सी पी सी टी से, तो ये बराबर होते हैं, हम सेकंड पार्ट का हमें आंसर मिल चुका है ए बी बराबर ए सी, इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कि हमको पता कैसे लगा है, क्योंकि जिसके दो भुजाएं ए बी बराबर ए सी हमने प्रूफ करके दिखाया सी पी सी टी से, और कोण भी बराबर कौन सी है भी मैंने प्रूफ करके दिखा सी पी सी टी से, जिसके आमने सामने के दो कोण और दो भुजा बराबर हो जाती है तो समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। तो हम इसको सी पी सी टी से वो प्रूफ कर चुके हैं, तो आप कह सकते हैं एक प्रोविडिया कह सकते हैं यही हमारा आंसर है। एक ही हमारा आंसर आ चुका है, एक ऊपर वाला आंसर आ चुका है, ये इसका सेकेंड पार्ट है।